अगस्त 2021 में हरियाणा के करनाल में किसानों पर जमकर लाठियां भांजी गई थी। तब पुलिस को आदेश देते हुए एक अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्हें ये कहते सुना जा सकता था, नाके के पार किसी को नहीं जाने देना, भले ही सर फोड़ देना। ये अधिकारी थे करनाल के SDM आयुष सिन्हा। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद उनका वीडियो वायरल हुआ तो जमकर बवाल कटा। जांच के लिए आयोग का गठन किया गया, लेकिन अब खबर आई है कि आयुष सिन्हा को बेहतर पोस्टिंग मिल गई है। करनाल लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस SN अग्रवाल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, लेकिन उसे सरकार ने भंग कर दिया है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक आयोग ने कार्यकाल 1 महीने और बढ़ाने की मांग की हुई थी, लेकिन सरकार ने इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे तर्क बताया गया कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में सरकार ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाना उचित नहीं समझा। वहीं दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक तकरीबन 150 पन्ने की रिपोर्ट जस्टिस अग्रवाल के पास है जो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। दूसरी तरफ रिपोर्ट मिलने से पहले ही SDM आयुष सिन्हा की नियुक्ति पहले से भी बेहतर जगह कर दी गई है। अब उन्हें पंचकुला में बतौर ADC कम सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इस खबर पर किसान नेता योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, याद है करनाल वाले SDM आयुष सरफोड़ सिन्हा, जांच आयोग की रिपोर्ट अभी आई नहीं, लेकिन उनकी बहाली हो गई है, बधाई हो। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाठीचार्ज को लेकर सफाई देते हुए आयुष सिन्हा ने कहा था, विरोध स्थल और बैठक के स्थान के बीच मुख्य रूप से 3 चेकपॉइंट थे। मुझे सभा स्थल के पास तीसरे और अंतिम चेकपोस्ट पर तैनात किया गया था। यहाँ किसी के पहुंचने का मतलब है कि वो 2 चेकपोस्ट पार करके यहाँ आया है। ये तीसरा नाका मीटिंग के बेहद पास था। अगर ये तीसरा नाका टूट जाता तो हंगामे और तोड़फोड़ की आशंका थी। दूसरी बात ये कि कुछ अवांछित तत्व भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए थे, ये सुरक्षा के लिए चूक साबित हो सकती थी। आयुष ने कहा था कि वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि इसका केवल एक हिस्सा ही दिखाया जा रहा है जिसमें लाठीचार्ज की बात हो रही है। उनके मुताबिक ब्रीफिंग के केवल एक चुनिंदा हिस्से को ही लीक किया गया। SDM आयुष सिन्हा ने 2017 के UPSC एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने बिट्स गोवा से केमिकल इंजीनियरिंग भी की है। उनके पास बायोलॉजिकल साइंस में एक मास्टर डिग्री भी है, लेकिन उन्हें सिविल सर्विसेज में ही जाना था, इसलिए वो UPSC परीक्षा की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 100वीं रैंक हासिल कर ली थी और उन्हें IRS के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया था। कुछ समय के लिए नागपुर में IRS वाली ट्रेनिंग की, लेकिन बाद में एक ब्रेक लेकर फिर UPSC की तैयारी में जुट गए और 2017 के UPSC परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साजिद ने। देखते रहिए डेली लर्न टॉप। शुक्रिया।